मुनव्वर फारूकी के हाथ में आप लोग ट्रॉफी देखना चाहते हैं या नहीं ये तो बताइए। पर ये जब पेपराजी ने पूछा नाजिला से सवाल कि क्या आप मुनव्वर के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती है, तो क्या बोला है नाजिला ने, ये चीज़ तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे। पर मैं आप लोगों के भी बातें जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो है मुझे बताइए कि क्या मुनव्वर के हाथ में आप ट्रॉफी देखना चाहते हैं या किसी और के हाथ में बिग बॉस 17 की ट्रॉफी देखना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर कर लीजिए फॉलो। अब रही बात नाजिला की, नाजिला से जुड़े हुए काफी सारे मुद्दे जो है बिग बॉस 17 के घर में उठे और नाजिला ने दूसरी बार भी एक वीडियो बना के डाली जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें बोली और उन्होंने एकदम जो है मुनव्वर फारूकी को झूठा जो है बता दिया। और इवन उन्होंने ये भी बोला कि मुझे धोखा मिला है मुनव्वर से भी और आयशा से भी मुझे धोखा मिला है, ये बात उन्होंने बोली थी। अब जो है कल रात को दिखाई दी है नाजिला, नाजिला जो है पार्टी शार्टी करती हुई घूम रही हैं और काफी ज्यादा मजे कर रही हैं। और जो चीज मैंने एक चीज नोटिस की कि नाजिला जिस फेम को चाहती थी वो फेम जो है अब उसको मिला है। पहले तो कभी भी पेपराजी ने जो है अकेले में नाजिला को पकड़ा नहीं था, बट अब जो है नाजिला की इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है कि पेपराजी अब नाजिला को भी कैप्चर करने लग गए हैं। जहां पर उन्होंने पूछा कि भाई आपकी जिक्र काफी ज्यादा बिग बॉस 17 में हुआ है तो आपका क्या कहना है, तो नाजिला ने बोल दिया कि मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट किया है वो जाके आप देख लीजिए। बहुत ही हंस के जो है काफी ज्यादा अंदर से खुश होते हैं ना कि मेरे पीछे पीछे कैमरामैन्स घूम रहे हैं, तो वो चीज की काफी ज्यादा खुशी थी। और फिर जब पूछा कि मुनव्वर अभी फैनाले में पहुंच चुके हैं, फैनाले वीक में पहुंच चुके हैं, तो क्या आप उनके हाथ पे ट्रॉफी देखना चाहती हैं, क्या आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो नाजिला के साथ में ही जो लड़की थी वो नाजिला को खींच के ले गई कि भाई ऐसे सवाल मत पूछो मत पूछो। तो नाजिला जो है वहां पर स्माइल तो कर रही थी पर फिर भी जो है वो कुछ बोल नहीं पाई और वो बोलना भी नहीं चाहती थी। और आखिरकार अगर बोलेगी कि भाई मेरे को नहीं देखना तो भी लोग बात बनाएंगे, अगर बोलेगी कि हाँ भाई उसके हाथ में ट्रॉफी आनी चाहिए तो भी लोग बात बनाएंगे, तो इसीलिए उसने कुछ भी नहीं बोला नाजिला ने वहां पर। पर आपको क्या लगता है कि नाजिला ट्रॉफी देखना चाहती है मुनव्वर के हाथ में? अगर मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो मैं बोलूंगी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती होगी। जो लड़की जो है जब उसका इतना ज्यादा नाम हो रहा था वो किसी और के साथ बात करके आयशा के साथ डील करके आयशा को घर के अंदर भेज सकती है और खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो वो लड़की आखिरकार कैसे चाहेगी कि मुनव्वर के हाथ में ट्रॉफी आए? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।